हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दिया ये सब। मेरा नाम है राही मेहता एंड आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या यूएसए अभी भी एक सुपर पावर है एंड यूएसए क्या फ्यूचर के अंदर भी सुपर पावर बना रहेगा? ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो यूएसए के सुपर पावर के टैग को राइवल कर रहे हैं, इसको हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि फ्यूचर में यूएसए को ऐसा क्या बदलाव अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर करना पड़ेगा जिसके चलते वो सुपर पावर बना रहे। तो आइए इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। बट शुरुआत करेंगे इस पूरी कहानी की जहां से ये स्टार्ट होती है। जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किए, उसके बाद यूएसए एक मेजर डोमिनेंट पावर बन गया क्योंकि वो इकलौता ऐसा कंट्री उस दौर में था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे। बट उसको देखते देखते यूएसएसआर ने भी कुछ सालों के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए एंड वर्ल्ड के अंदर शुरू हो गई कोल्ड वॉर, जिसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर था। जहां अमेरिका अपनी कैपिटलिस्टिक रिजीम को आगे बढ़ा रहा था एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा था, वही यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा था एंड दुनिया के अंदर इंटरनेशनलिज्म का बहाना देते हुए कम्युनिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था। और ये लंबे समय तक दोनों आपस में राइवलरी के अंदर इन्वॉल्व रहे जब तक 1991 में यूएसएसआर टूट नहीं गया, उसका विघटन नहीं हो गया। उसके बाद अमेरिका जो था वो एक सोल ग्लोबल पावर, सोल सुपर पावर जो है वो इस दुनिया के अंदर बन जाता है, क्योंकि रशिया जो यूएसएसआर से निकला उसकी मिलिट्री एंड इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो यूएसए को चैलेंज कर सके। तो दुनिया बाईपोलर से हो जाती है यूनिपोलर 1991 में। और उसके बाद यूएसए ने अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना शुरू किया, यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग किया। ये वही दौर था 1990s का जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रही थी, जब .coms या कह लीजिए वेबसाइट रेवोल्यूशन हो रही थी, इंटरनेट जो था वो दुनिया के अंदर मार्केट के अंदर आ रहा था। और वो सारा सिनेरियो जो था वो यूएसए ने इनिशियली अपने कैप्चर में कर लिया, कब्जे में कर लिया। सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर डेवलप हुई, यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता गया। सभी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड फर्म्स जो थी उस दुनिया में उस समय सिर्फ यूएसए में ही सिचुएटेड थी। धीरे 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 पर ये सिनेरियो बदला, चाइना भी राइज कर गया, इंडिया भी राइज कर रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज एज सच राइज कर रही है। एक तरफ एशियान राइज कर गया, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई। तो आज के इस सिनेरियो के अंदर यूएसए जो है वो अपनी सुपर पावर के टैग को कैसे मेंटेन कर पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर पहले हम कुछ पिलर समझते हैं कि कौन कौन से पिलर्स हैं जिनके बिहाफ के ऊपर यूएसए जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो पहला पिलर जो रहेगा यूएसए का वो है उनकी इकोनॉमी। यूएसए की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर प्लस की इकोनॉमी जो है वो यूएसए के पास मौजूद है, इंडिया से 10 टाइम्स लगभग ज्यादा है। और ये इकोनॉमी आज की बनाई हुई नहीं है, ये बहुत ही स्टेबल है। ये जब यूएसए डेमोक्रेसी बना था, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, तब से लेकर अब तक धीरे 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 इन्होंने ये प्रोग्रेस करी और आज भी इनके जितने भी जो फंडामेंटल्स हैं वो सभी मेजर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ही स्टेबल है एंड फ्यूचर के अंदर भी इनके स्टेबल रहने की उम्मीद है। तो पहला पिलर जो यूएसए को सुपर पावर बनाता है उनकी इकोनॉमी, दूसरा पिलर जो उनको सुपर पावर बनाता है वो है उनकी मिलिट्री। तो देखो, जहां मिलिट्री और इकोनॉमी यूएसए को सुपर पावर तो बना रही है, वही उनके लिए एक चैलेंज भी क्रिएट कर रही है। वो कैसे? इकोनॉमी डेवलप तो हुई यूएसए के अंदर, बट उसके साथ ही इनकम इनइक्वालिटी भी डेवलप हुई। मिलिट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई यूएसए की, दुनिया भर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 750 बेसिस जो है मिलिट्री बेसिस वो यूएसए ने बना लिए। बट इन सबको चलाने के लिए हर साल यूएसए को एक बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है। उसको अपनी मिलिट्री को चलाए रखने के लिए हर साल लगभग 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्चा करना पड़ता है, तभी ये 750 बेसिस और इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों लड़ाकू विमान और लाखों सैनिक जो है वो यूएसए एम्प्लॉय कर पाता है इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद। तो इस मिलिट्री के खर्च से इकोनॉमी को फायदा तो होता है, बट इससे इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। आज की डेट में अगर हम यूएसए में बात करें तो जो बॉटम 50% लोग हैं यूएसए के, वो सिर्फ यूएसए के 10% रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 10% इनकम कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब जो पैसा डेवलप हो रहा है, जो इकोनॉमी बढ़ रही है, वो ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा है। अमेरिका के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, आगे इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे। तो पर इकोनॉमी एक ऐसा पिलर था जिसने अमेरिका को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, इसके साथ ही मिलिट्री। तीसरा पिलर टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो अमेरिका के अंदर हुआ, जो कि जो सिलिकॉन वैली के अंदर हुआ, जहां से सभी वेबसाइट्स बनी, या कह लीजिए टेस्ला, फेसबुक, गूगल, ये सभी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स यहीं पर ही सिचुएटेड हैं
एंड इन्होंने ही दुनिया के अंदर यूएसए की पहचान बनाई। पूरी दुनिया के अंदर यूएसए के कल्चर को प्रोपोगेट करने में इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ। अब जो हम यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फेसबुक इंस्टाग्राम, वो आखिरकार सभी यूएसए में ही तो बेस्ड है। तो ये टेक्नोलॉजी भी तो यूएसए की इकोनॉमी के लिए, यूएसए की ग्लोबल पावर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसके साथ ही यूएसए का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी इंपॉर्टेंट फैसले जो हैं वो यूएसए की परमिशन से ही लिए जाते रहे हैं, जिसके चलते यूएसए एक सुपर पावर बन पाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट इंपॉर्टेंट पिलर है जो यूएसए को सुपर पावर बनाता है, वो है उनकी सॉफ्ट पावर। उनका हॉलीवुड का कल्चर, उनकी मूवीज, उनके सॉन्ग्स, ये सब यूएसए प्रोपोगेट करता है। आपने देखा ही होगा, चाहे कोई भी मूवी हो, जहां भी एलियन अटैक होना होगा यूएसए के ऊपर ही होगा। दुनिया के अंदर हॉलीवुड के अकॉर्डिंग तो सिर्फ यूएसए ही मौजूद है। जो हम सब देखते हैं, वो सभी मूवीज हम देखते हैं, हम उनको कंज्यूम करते हैं, वो कंटेंट हम देखते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, आखिर यूएसए इसके थ्रू साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है या हमारे दिमागों को, हमारे माइंड्स को कंट्रोल करता है और पूरी दुनिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, चाहे वो सुपरमैन हो, ऐसी हर एक चीज यूएसए ने अपनी सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल की एंड पूरी दुनिया को उसने दिखाया एंड वो सुपर पावर बन गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें अभी कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो यूएसए को फेस करने पड़ रहे हैं, तो सबसे मेजर चैलेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज फेसिंग द यूएसए, आइए इसके बारे में भी बात कर लें, तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है। 17% जो लोग हैं यूएसए के, वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कह लीजिए उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट और लीडरशिप, 17% लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर दूसरा सबसे बड़ा इशू या चैलेंज है वहां की गवर्नमेंट और उनकी लीडरशिप, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली डिवाइडेड हो चुकी है। जो पॉलिटिकल राइवलरीज है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, वो सड़कों पर उतर आई है। आपने कैपिटल हिल अटैक के बारे में तो सुना ही होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस हारे थे पिछली बार एंड जो बाइडेन जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, तो यूएसए की कैपिटल हिल पर जो अटैक हुआ था वो ये दर्शा रहा था कि यूएसए पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो चुका है, राइवलरीज बहुत ज्यादा इनग्रेन कर चुकी है यूएसए के अंदर। इसके साथ ही इकोनॉमी इन जनरल, 12% लोग कहते हैं कि इकोनॉमी इन जनरल से उनको परेशानी है। अबॉर्शन इश्यूज, यूएसए के अंदर आज भी लड़ाई इस बात पर चल रही है कि विमेन को अपनी बॉडी पर अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहां एक पॉलिटिकल पार्टी यूएसए की कहती है कि अबॉर्शन को इलीगल कर देना चाहिए, वही दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। ये ऐसे इश्यूज जो कि फेमिनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ये इश्यूज तो होने ही नहीं चाहिए थे, इनको तो कब का रिजोल्व कर लिया जाना चाहिए था, बट अभी भी यूएसए के अंदर अबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अबॉर्शंस लीगल है, यूएसए के अंदर अभी भी ये लीगल और इलीगल का कंसेप्ट चल रहा है, किसी स्टेट के अंदर वो लीगल है, किसी स्टेट के अंदर वो इलीगल है। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट्स, यूनिफाइंग द कंट्री, इमिग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी समस्याएं यूएसए आज की डेट में फेस कर रहा है। वहीं यूएसए जो है वो आज भी अपने आप को, या कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप से पहले यूएसए अपने आप को वर्ल्ड पुलिस के रूप में देखता था। यूएसए का इराक के अंदर अटैक, यूएसए का अफगानिस्तान के अंदर अटैक, यूएसए का यूक्रेन वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट, इजराइल गाजा कंफ्लिक्ट के अंदर यूएस का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो कोल्ड वॉर के दौरान से वियतनाम वॉर ही क्यों ना हो, कोरियन वॉर ही क्यों ना हो, आज भी यूएसए जो है वो अपने आप को वर्ल्ड पुलिस के रूप में देखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इस पॉलिसी को बदलने की कोशिश करी। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स को एकाएक वापस बुला लिया, 2021 के अंदर अफगानिस्तान खाली कर दिया, जिसके चलते तालिबान की वापसी हो गई अफगानिस्तान में। बट यूएसए के इस अब्रप्ट डिसीजन से, उनकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो लगातार बदलाव आ रहे हैं, उसके चलते एक मिसट्रस्ट जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही है, जो उसके एलाइज को उससे दूर कर रहा है। वहीं यूएसए का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से वापस आ जाना, उससे बाहर निकल आना, ये भी जो यूएस के अलाइज है उनके बीच में मिसट्रस्ट जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। यूएसए का इसराइल को लगातार सपोर्ट करते रहना, एंड यूएसए की लाख कोशिशों के बावजूद भी ईरान को ना दबा पाना, ईरान की पावर को कम ना कर पाना, ईरान को अभी तक यूएसए कंट्रोल नहीं कर पाया है, यानी कि यूएसए के पास चैलेंजेस बहुत हैं, असीमित चैलेंजेस हैं यूएसए के पास। वहीं दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर यूएसए की इकोनॉमी से भी आगे निकल गई है। वहीं चाइना के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल बूम लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइनीज कंपनी जैसे हुआवे या फिर ताइवानीज कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूएसए से भी आगे निकल रही है। चाइना की कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूएसए से भी ज्यादा चीपली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर पा रही है। वहीं एक तरफ चाइना राइज कर रहा है, उसी तरफ
जो इंडिया जैसी कंट्री है या ऑल टुगेदर ब्रिक्स जैसी कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये सभी कंट्रीज भी राइज कर रही हैं, ये सभी ग्लोबल पावर बनने के लिए अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे यूएसए के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, यूएसए ने अभी तक 469 मिलिट्री इंटरवेंशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय पर किए। इसका असर क्या पड़ा? इससे यूएसए को एक बुली के रूप में देखा गया, इससे यूएसए से जो ट्रस्ट था वो कम हुआ, लोग ये कंट्रीज जो थी वो यूएसए से डर कर काम करने लगी, उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगी। बट जैसे जैसे ग्लोबल लीडरशिप चेंज हो रही है, एशियान, यूरोप, ब्रिक्स, ये सभी नेशंस राइज कर रहे हैं, अब डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन यूएसए के लिए कर पाना इतना आसान नहीं होगा। यूएसए ने 1700 के अराउंड जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डेवलप कर लिए हैं, बहुत बड़े न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए ने डेवलप कर लिए हैं, बट उनको चलाया नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, उन सबके पास भी आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। अगर इनको कभी इस्तेमाल किया गया, दोबारा कभी मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका के द्वारा किया गया और वर्ल्ड जो था वो वर्ल्ड वॉर थ्री की सिचुएशन पर आ जाता है, तो ये न्यूक्लियर वॉर होगी और इससे पूरी दुनिया के अंदर बहुत कैटास्ट्रोफिक चेंजेस क्रिएट होंगे। तो ऐसे में यूएसए क्या करे, यूएसए चाइना से, पुतिन से, इन सबसे कैसे डील करे, कैसे वो अपने सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करके रख सकता है? तो सबसे पहले यूएसए को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यूएसए की इकोनॉमी आज की डेट में स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, बट वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के चैलेंजेस जो है उनके ऊपर सरकार को गौर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इनका मिलिट्री बजट है, उतना ही बजट यूएसए को अपनी सोशलिस्टिक पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए करना पड़ेगा, ताकि लोगों की हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके। वहीं चाइना से डील करने के लिए यूएसए जो अपनी अलग अलग पॉलिसीज बना रहा है, जैसे कि क्वेड, इन क्वेड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए और स्ट्रेंथन करे, इनको और स्ट्रॉन्ग करे, अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को और प्रभावित करे। इसके साथ साथ ईरान को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ईरान के साथ भी समझौता करे। इसके साथ साथ यूएसए के अपने जितने भी डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं उनसे वो निपटे। अपना जो ट्रेड डेफिसिट जो उसका चाइना के साथ क्रिएट हो चुका है, उस ट्रेड डेफिसिट से यूएसए बाहर निकले, यूएसए अपने एक्सपोर्ट्स चाइना को जो करता है उनका नंबर बढ़ाए, उनकी क्वालिटी बढ़ाए, उनकी क्वांटिटी बढ़ाए, जिसके चलते ये सारा ट्रेड डेफिसिट जो लगभग $300 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है आज की डेट में, इसको कम किया जा सके एंड राइजिंग चाइनीज हेजमनी को यूएसए इसी तरीके से सब्जुगेट कर पाएगा। वहीं एक तरफ जहां डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट चल रहा है, डी डॉलराइजेशन में यूएसए के डॉलर को चैलेंज कर रही है कई सारी अदर करेंसीज जिसमें चाइना का सबसे बड़ा रोल है, तो यूएसए को अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, डॉलर बेस्ड ट्रेड को ही चलाना होगा और वो सभी एक्टिविटीज या वो सभी ट्रेडिंग जो विदाउट डॉलर हो रही है यूएसए को उनके ऊपर एक चेक क्रिएट करने की जरूरत है, तभी वो अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाएगा। बट भारत ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करे? देखो, भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ चाइना, बीच में भारत, भारत की सबसे बड़ी आबादी 140 करोड़ लोग, सबसे बड़ी मार्केट पूरी दुनिया की, हम चाइना के साथ भी जुड़े, हम अमेरिका के साथ भी जुड़े, हम रशिया के साथ भी जुड़े, हम कलेक्टिवली हर कंट्री के साथ रहें, अपने डिफरेंसेस को रिजोल्व करें और इन सबकी इकोनॉमी से, इन सबकी ट्रेड से हम फायदा उठाएं, हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, हम अपने लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करें। ऐसे में हमको अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इंडिया को डाइवर्सिफाई करना होगा। पहले इंडिया का झुकाव ज्यादा रशिया की तरफ हुआ करता था, पर आज फिलहाल में अमेरिका की तरफ भी इंडिया जो है वो अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करना स्टार्ट कर चुका है। बस बात है चाइना की, जब तक चाइना और भारत के इश्यूज रिजोल्व नहीं होंगे, तब तक क्वेड या इंडो पैसिफिक पॉलिसीज ऐसी सिचुएशन बनती रहेंगी, ये नई नई चीजें बनाई जाती रहेंगी। बट हाँ, यूएसए के पास अभी भी वो सभी रिसोर्सेज, वो सभी पोटेंशियल मौजूद है जो उसको ग्लोबल सुपर पावर बनाए रखेगा। उसको चैलेंज तो मिल रहे हैं, बट वो चैलेंजेस कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? यूएसए सुपर पावर बना रहेगा, ये अटैक चाइना के पास या ब्रिक्स के पास या किसी और कंट्री के पास चला जाएगा? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय, धन्यवाद।